दिन आने वाला था और हर तरफ लोगों ने अपने घर और गलियों को झंडियों से सजाया हुआ था, तो फिर मीठा कैसे पीछे रह सकता है। नहीं तो क्या, दूध पीती बच्ची है जो घर को झंडियों डंडों वाले झंडे से सजाएगी। चल उठ कर घर का काम कर, सारा काम बिखरा पड़ा है। बेटे तू कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, न मेरी न मेरे बच्चों की। मेरा ख्याल नहीं करता तो ना कर बच्चों का ख्याल, तो क्या कर, कितना खुश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ज्यादा मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, जाकर झंडियाँ लेकर आता हूँ। फिर मीठा घर से निकलकर झंडियाँ लेने जाता है और एक दुकान पर पहुँचता है। भाई एक पैकेट झंडियों का दे दो। ठीक है भाई, 500 रुपए का एक पैकेट है, 500 रुपए निकालो। क्या 500 रुपए, इतनी महंगी? तो झंडियाँ बेच रहा है या सोने की डंडियाँ? जरा बंदे का पुत्र बन और 100 रुपए की लगा। 2 रुपए, अपनी शक्ल देखी है तूने? तो पहले मारूंगा तेरे मुँह पे, चल निकल जा यहाँ से। मीठे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये तूने मीठे को ललकार कर अच्छा नहीं किया, तुझे इस चीज की सजा मिलेगी। मीठा गुस्से में एक जगह बैठकर सोचने लगता है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे जरूर लूंगा, और इससे बदला लेने का एक ही हल है कि मैं इसकी दुकान खराब कर दूं, और दुकान खराब करने में तो मैं माहिर हूँ। मीठा इसी सोच के साथ घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, और बेगम उस दुकानदार वाले ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और तुझे झंडियों की पड़ी हुई है। क्यों मीठे, क्या कहा उस दुकानदार वाले ने तुझे? बेगम 100 रुपए वाला पैकेट 500 रुपए का दे रहा था, मैंने कहा कीमत कम कर तो मुझे कहने लगा कि तुझे 100 चपेड़े मारूंगा। क्या उसकी ये हिम्मत मीठे, तू रुक, मैं भी उसके पास जाके उससे दो हाथ कर क्या दूं। बेगम तू रुक, उससे बदला लेने का एक ही हल है कि मैं उसकी दुकान के साथ दुकान लगाकर अपनी झंडियाँ कम कीमत पर बेचूं और उसे वक्फे वक्फे से नुकसान पहुंचाता रहूं। मिठे तुझे नुकसान तो बाद में पहुंचा दिया, पहले उसने तेरे साथ बदतमीजी की है, मैं जाके उससे बदला लेके आती हूं। फिर नसीबो कैंची गुस्से में उसकी दुकान पर पहुँचती है। अब भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोर से बदतमीजी करने की? तू मेरे शोर को सोच पहले मारेगा। हाँ तो 500 रुपए वाली गड्डी है, 100 रुपए की मांगेगा तो उसे 100 चपेड़े से पड़ेगी। तुम्हारे का 100 चपेड़े, तेरा तो मैं 100 चपेड़े मार मार के सुझा दे दूंगी। बन के रू, तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं तेरी दुकान तबाह करके तुझे सड़कों पे लेके आ गई तो मेरा नाम भी नसीबो कैंची नहीं। ये कहकर नसीबो कैंची गुस्से में घर आती है और मीठे को 10,000 रुपए देकर कहती है, मीठे तूने पैसों की झंडियाँ खरीद और उसकी दुकान के सामने अपना स्टॉल लगा ले। देख मीठे, 100 रुपए वाली झंडिया 200 रुपए में बेचियो ताकि लोग तेरे पास आवे, उसके पास ना जावे। और हाँ, सारा प्रॉफिट मेरे हाथ में ला के रखियो। ठीक है बेगम, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। फिर मीठा उसकी दुकान के सामने स्टॉल लगा लेता है और सामान बेचना शुरू हो जाता है। ये देखकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसकी सेल जो कम हो जाती है। हाँ देख लिया मीठा सेठ से पंगा लेने का अंजाम, हमसे करेगा पंगा तो हो जाएगा नंगा। देख बीटो, ये तरीका ठीक नहीं है, तो रेट कम करके मेरे ग्राहक खराब कर रहा है। यही सीजन है कमाने का, मेरे साथ ऐसा न कर। बहुत अच्छी बात है, सीजन क्या सिर्फ तेरे लिए है, हम तो फिर जहर की गोलियाँ खा कर मर जाए। मीठा अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वहाँ मीठे का बेटा अपनी माँ के पास आता है। अम्मी जान, अबू किधर है? परसों हमारे स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन है, मेरी टीचर ने कहा है कि तू 14 अगस्त का सामान लेके आना। और मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े तेरा पा झंडिया बेचने गए, और शाम में जब बेगा तो मैं उससे बात कर ले दूंगी। क्या माँ, हम पहले झंडिया वाली दुकान खोल ली है, शुक्र है अब्बा किसी काम पे तो लगा, वरना घर पे बैठा बैठा रोटियाँ तोड़ता रहता है। ना मेरे लाल अपने अब्बू जान से इस तरह बात नहीं करते, बहुत सख्त गुण होते हैं। अच्छा अम्मा छोड़, ये बता दे की दुकान कहाँ पे है? देख क्यों की अब्बा काम भी कर रहे की बैठा मक्खी मार रहे हैं। फिर नसीबो उसको दुकान का एड्रेस बता देती है और वो अपने बाप के पास पहुँच जाता है। अब्बा बहुत खुश हुई, तुझे रोजी करने का शौक हो गया, अच्छा लग रहा है झंडियाँ बेचते हुए। ओए झंडियों के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल घर जाकर पढ़ाई कर। अब्बा मुझे ज्यादा नसीहत करने की जरूरत नहीं है, परसों हमारे स्कूल में फंक्शन है, टीचर ने कहा कि झंडियाँ लेके आना, चल एक पैकेट दे। क्या तुझे एक पैकेट झंडियों का देकर अपना प्रॉफिट बर्बाद करवा लूँ? कोई झंडिया नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। ये देखकर दुकानदार के जहन में एक आइडिया आता है। वाह ये बच्चा तो बहुत तेज लग रहा है, बेटे से बदला लेने के लिए इसे काबू में करना पड़ेगा। फिर वो कहता है, ओ बेटा अपने बाप को छोड़ जा, मैं तुझे झंडिया देता हूँ। क्या अंकल आप मुझे झंडिया दोगे? आई
झंडिया दूंगा। फिर दुकानदार उसे झंडिया देता है और वो बच्चा चला जाता है। तो दुकानदार मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे जाता है। बेटा मेरी बात सुन, तेरा बाप झंडियों का काम में बहुत नुकसान कर रहा है। लड़कों से पूरे पैसे लेता है, लड़कियों को फ्री में दे देता है। क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? वैसे मुझे अपने बाप का पता है, लड़कियों को देख किस किसी टिबिटी भी ले जाती है। बेटा तुमको मसला हल करो वरना तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हक के पैसे किसी और के पास जाए। अंकल आप बेफिक्र हो जाओ, आज तो मैं अपने अब्बे को रंगे हाथों पकड़ूंगा। फिर वो अपने बाप की दुकान के साथ दरख्त के पीछे खड़ा हो जाता है तो मीठे की हमसाई उसके पास आती है। ओहो सुगरा जी, आप यहाँ खैर से आई हैं? हाँ जश्न शादी आने वाली है तो मैंने सोचा बच्चों के लिए झंडिया ले लूं। बहुत अच्छा किया आपने जो मेरी दुकान पर आ गई हैं। मीठे जी जरा अच्छी झंडियों के दो चार पैकेट भी दे दी। हाय मैं मर जावा, एक दो क्या 8-10 ले जाएं। ये अब्बी के काम तो देखो, आंटी सुगरा को कैसे फ्री झंडियों की ऑफर करवा रहे हैं और मुझे एक पैकेट देते हुए से मौत पड़ी थी। कोई बात नहीं बच्चों, तेरा तो मैं मसला करता हूँ। शुक्रिया मीठे जी, कितने पैसे हो गए? अरे सुगरा जी, आप पैसों की बात करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? आप जरा शाम को छत पर आना, आपसे दिल की एक जरूरी बात करनी है। दिल की बात करेगा? मुझे तो बच्चों में ऐसा दिल का दौरा पड़वाऊंगा कि तू याद करेगा। फिर वो औरत झंडियाँ लेकर चली जाती है और वो बच्चा मीठे के पास आता है। ओए तू फिर आ गया, तू घर जाकर पढ़ाई करेगा कि नहीं? पढ़ाई तो मैं कर लूंगा, पहले झंडियों का पैकेट दे। मैं तेरे कान के नीचे दो थप्पड़ लगाऊंगा, चल भाग जा यहाँ से। ठीक है अब्बा, ना दे मुझे झंडिया, मैं घर जाके अम्मी को बताता हूँ कि तू आंटी सुगरा को मुफ्त में झंडिया दे रहा था। अब अब्बा तो मेरे जाल में आए। और मेरे प्यारे बेटे, तू तो गुस्सा ही कर गया, कितनी झंडियों के पैकेट लेगा तू? दो पैकेट दे। तू तो एक पैकेट कह रहा था। हाँ पहले बात और थी, अब तू मेरे जाल में पूरा फंसा है, चल अब दो पैकेट दे। फिर मीठा उसे पैकेट देता है। ये ले मेरे राजकुमार बेटे, अब अम्मी को ना बताई। ठीक है अब्बा, बस इस तरह मेरा ख्याल करता रहेगा तो फिर मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। फिर वो चला जाता है और जब शाम में मीठा घर आता है तो नसीबो कैंची उससे हिसाब मांगती है। ये क्या मीठे, ये तू मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है? इस प्रॉफिट के लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे। और बेगम जब माल ही नहीं बिकेगा तो तुझे पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? अब्बा चल मेरे साथ छत पे झंडियाँ लगाते हैं। और झंडियों के बच्चे तू चल के पढ़ाई कर, हर फजूल काम में अपना टाइम बर्बाद करता रहता है। अच्छा नहीं जाएगा मेरे साथ छत पे? नहीं जाऊंगा। अच्छा अम्मी जान, वो ना अम्मी अबू की दुकान पे आई थी, कौन आई थी? कोई नहीं बेगम, वो कचरे वाली ट्राली आई थी और सारा कचरा उठा कर ले गई। बेटा तू भी ना बहुत कमाल करता है, कचरे वाली ट्राली की बात अपनी माँ को बताना कौन सी जरूरी थी। चल छत पे चल, झंडिया लगाते हैं। फिर वो दोनों छत पर आ जाते हैं और मीठा सोचने लगता है, ये मैं किस अजाब में फंस गया? ये ओतरी माँ का फाइनल बच्चा तो मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करता रहता है, इसका क्या मसला हल करूँ? अब्बा कल की तैयारी कर, मेरे स्कूल जाने फंक्शन की तैयारी कर ले। बेटा ऐसा ना कर, कल आखिरी दिन है कमाई का, मेरा लाल मुझे कमाने दे। अब्बा तू जितनी कमाईयां करता है मुझे सब पता है, तू चल स्कूल। ओए तू कोई बहुत ढीठ है, पता नहीं कौन से कब्बे खा के पैदा हुआ है। मेरे बेटे कल काम का आखिरी दिन है, कल जाना बहुत जरूरी है। नहीं जाएगा फिर? हाँ नहीं जाऊंगा। बेटा चुप कर, मैं जाऊंगा तेरे साथ जाऊंगा। फिर अगले दिन मीठा सारा दिन स्कूल में जाया कर देता है और उस दुकान वाले का सारा माल बिक जाता है। और मीठा 14 अगस्त वाले दिन अपना स्टॉल खोलकर बैठा होता है। अब आजादी वाले दिन उससे कौन झंडियां लेगा? आज सारा मुल्क तो आजाद हो गया, लेकिन मीठा अपने बेटे और बीवी के आगे आज भी कैद है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।